सर अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो आप देख रहे हैं कि फौजी का जो वीडियो है, बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव का जो वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ वो दर्दनाक है और सेना के प्रतिष्ठानों के संचालकों के लिए एक शर्मनाक घटना है। सेना के जवानों को भरपेट खाना नहीं मिलता, जिनकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं, उनको भूखे पेट सोना पड़ता है, ये निश्चित तौर पर सबके लिए दुखद है। लेकिन उससे ज्यादा दुखद बात यह है कि उस जवान ने जब एक वीडियो रिलीज किया और अपना दर्द प्रकट किया, बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव का जो वीडियो अभी हाल में वायरल हुआ वो अपने आप में एक दर्दनाक है और जो लोग सेना के प्रतिष्ठानों के संचालक हैं उनके लिए बहुत शर्मनाक है। यह हम सब के लिए दुख की बात है कि जो लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे सरहदों की रक्षा करते हैं, उनको भूखे पेट सोना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं सेना के मेस में जो पूरा डिफेंस कैंटीन का सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिस तेज बहादुर यादव के वीडियो की वजह से सेना के जवानों के दुख की जानकारी हमको मिली उसको सरकार संभालती, उसको सम्मान करती, इसके बजाय सरकार ने उसको सजा देने के लिए सरहद से उठा करके प्लम्बर का जॉब दे दिया। जो सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेने के लिए पूरे देश में घूम घूम के नाच कर रही थी, आज एक सेना के जवान ने जब दुख बताया, दर्द बताया, तो उसको सजा दे रही है, ये और भी शर्मनाक है। सर इसके लिए आपकी आवाज हमेशा एक लकीर बन गई है, आपने हमेशा आवाज उठाई है, चाहे उत्तर भारतीय की हो या ये हो, इसके लिए क्या कुछ आगे जाने वाले हैं? बिल्कुल हम कुछ करेंगे, सबसे पहले तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे जवानों का ख्याल रखने के लिए हमारे जवान भरपेट खा के सोएं और पूरी तंदुरुस्ती के साथ देश की हिफाजत करें, क्योंकि वो सरहद पे बैठ कर खड़े रह करके पाकिस्तानियों की गोली खाते हैं, आतंकवादियों की गोली खाते हैं। ऐसे जवानों को भरपेट खाना सरकार ना दे, ये निश्चित तौर पर शर्म की बात है। और इस सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरे मामले की जांच वांच करने की कोई जरूरत नहीं है, जो जवाबदार है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए और आइंदा कोई भी जवान भूखा पेट न सोए ऐसा इंतजाम करिए। जय जवान जय किसान का जय जवान जय किसान।